सबसे पहले यूपी निकाय चुनाव की अधिसूचना मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। नगरीय निकाय में घोषित आरक्षण, चुनाव की तारीखों के ऐलान पर आज सुनवाई होने जा रही है। आज तारीखों के ऐलान पर स्थिति साफ हो सकती है क्योंकि कोर्ट के अंदर आरक्षण के मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर है, नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पिछली सुनवाई में निकाय चुनाव की अधिसूचना पर 20 दिसंबर तक रोक लगी थी। सुनवाई के बाद निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर फैसला, राज्य सरकार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का पालन नहीं करने का आरोप है। यूपी निकाय चुनाव अधिसूचना मामले में आज सुनवाई होने जा रही है और आज ही स्थिति साफ हो सकती है कि चुनाव कब होंगे, या अमूमन अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि कोर्ट के बाद कुछ तस्वीर साफ हो जाए। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, क्या कुछ अपडेट है, क्या आज लगभग तस्वीर साफ हो सकती है कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद कि कब निकाय चुनाव की तारीख आएगी? देखिए, बिल्कुल आज संभव है कि आज शाम तक जो है कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तरफ से जो एफिडेविट है वो कल ही कोर्ट में जमा कर दिया गया और जो मानक होते हैं उन मानकों के आधार पर ही आरक्षण जो है वो लागू किया गया है। और यही वजह है कि कल यूपी सरकार की तरफ से हलफनामा जो है वो कोर्ट में दे दिया गया है। ऐसे में आज समझता माना जा रहा है कि कोर्ट उस हलफनामा के आधार पर कोई फैसला जो है वो दे सकती है, क्योंकि आज सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पहले ये था कि 15 तारीख तक जो है अधिसूचना जारी हो सकती थी, लेकिन जब ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया और ओबीसी आरक्षण को लेकर इस पर याचिका दायर हो गई, तो उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया था, जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। और ये कहा जा रहा है कि करीब 2 बजे के बाद हो सकता है कि कोर्ट जो है इस पूरे मामले को लेकर अपना कोई फैसला जो है वो सुना दे। हालांकि आज जिरह नहीं होनी है, क्योंकि कोर्ट में कल ही सरकार की तरफ से एफिडेविट जो है वो जमा कर दिया गया है और जो आरक्षण की जो नीति बनाई गई है, जो फॉर्मूला है, उस पर का पालन किया गया, इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो कोर्ट में दे दी गई है। रंजन कुमार की तरफ से ये एफिडेविट जो है ये कोर्ट में दिया गया है। ऐसे में आज जो है ये कहा जा रहा है कि आज का दिन बेहद अहम है और सभी राजनीतिक दलों की जो नजरें हैं वो कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच क्या कुछ कहती है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। जी ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे